हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, बहुत ही सिंपल इजी तरीके से। और इसका बैक और फ्रंट दोनों ही सिंपल नेक होने वाला है, गोल गला। और ये 36 नंबर की ब्लाउज है जिसे मैंने डबल फोल्ड में कर लिया है। और इसकी जो लेंथ लेंगे, फ्रंट वाले पार्ट का हम सारे 16 इंच लेंगे और बैक वाले पार्ट का हम 16 इंच लेंगे। आधा इंच का मार्जिन दोनों में कम रहता है, आगे वाला जो पार्ट होता है वो आधा इंच ज़्यादा रहता है और पीछे वाला जो है आधा इंच कम होता है। और आज मैं आपको बैक और फ्रंट दोनों में साथ में कट करके बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने 9 इंच पे एक मार्क कर दिया है और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है। और इसका जो हम तीरा रखेंगे वो 6 इंच पे रखेंगे और आर्म होल भी हम इसका 6 इंच पे रखेंगे। और इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्रोचरिया के लिए बनाएंगे। और 1 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे फ्रंट वाले पार्ट के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट और बैक हम दोनों साथ में ही कटिंग करेंगे, बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से मैं बताऊँगी फ्रेंड, जिससे आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी। और 2.5 इंच पे हम नेक के लिए निशान लगाएंगे और जो फ्रंट वाला नेक हमें रखना है वो 7 इंच की रखना है। तो नेक हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले जो इसकी हम जो आर्म होल है वो कट कर लेते हैं और उसके बाद इस पार्ट को हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से पहले हम जो बैक वाला पार्ट है उसे हम निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट पे नेक की जो हम चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच लेंगे और इसकी लंबाई हम 7 इंच लेंगे। और गोल गला हमें बनाना है बैक और फ्रंट दोनों में। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश की हूँ इसमें और एक एक चीज़ मैंने बारीकी से समझाया है इसमें। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो ये हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो हम नेक कट कर लिया है। उसके बाद इसकी जो ऊपर से जो हम इसकी जो टेकिंग की जो लेंगे वो 10.5 इंच पे लेंगे और उसके बाद 2-2 इंच के गैप पे आप 4 टेकिंग आप इस तरह से प्लेटें इसमें डाल दें, टेकिंग भी बोलते हैं, प्लेटें भी इसे बोलते हैं। और इसकी जो बैक वाले पार्ट में हम जो नेक लेंगे वो 10 इंच पे लेंगे और 2.5 इंच मैंने ऊपर से लिया है। जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट पे नेक की चौड़ाई भी 2.5 इंच लिया है, इसमें भी हम उतना ही लेंगे, बस हम इसकी लंबाई बढ़ा देंगे। तो इस तरह से इसका भी हम गोल गला में कटिंग कर लेंगे। और ये लाइनिंग की ब्लाउज है फ्रेंड्स, तो लाइनिंग वाला ब्लाउज आप कैसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी कि लाइनिंग वाले ब्लाउज को बनाना मुश्किल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे अच्छे से देखें और एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको। तो अब हम इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो ले लेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने टोटल लंबाई 10 इंच का लिया है और इसकी जो चौड़ाई है 9 इंच पे है। उसके बाद ऊपर से मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया है और एक इस तरह से तिरछा में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप एक अंदाजे से भी लगा सकते हैं या आपके पास जो ब्लाउज है उसकी स्लीव को देखते हुए निशान लगा ले और 2 इंच उसमें मार्जिन के लिए छोड़ दे। तो इस तरह से हमारा ये लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसका स्लीव भी कट गया है। अब हम मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसी को हम अच्छे से पहले सेट करेंगे। उसके बाद हम इस पे रख कर के जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था, जैसे हमने लाइनिंग को कट किया है बिल्कुल आपको मेन फैब्रिक पे रख के उसी के अकॉर्डिंग पूरा उसी तरह से कट कर देना है। तो हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है, बैक वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है और फ्रंट वाला पार्ट को भी हम सेट कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद हम उसकी जैसे हमने कट किया है लाइनिंग के फैब्रिक को बिल्कुल उसी को रख करके उसी के अकॉर्डिंग कट कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये लाइनिंग वाली ब्लाउज बनाने का और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनेगी भी। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है। उसके बाद जो हमारा अस्तर है उसको, जो हमने किया है अस्तर पे स्लीव, उसको इस पैक करके और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलते हैं अब हम स्टिचिंग की ओर फ्रेंड्स। तो पहले हमने मेन फैब्रिक को रख दिया है, उसके बाद हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख करके और उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई हम लगा करके सेट कर देंगे।
ताकि जब हम इसमें प्लेटें डालें तो हमारा इधर उधर फैब्रिक ना हो, इसके लिए हम पूरे में कच्ची सिलाई लगा देंगे। और दोनों साइड में हम प्लेटें इसी तरह से डाल देंगे। पहले मैंने आपको एक साइड में लगा करके दिखाया है, उसी को अच्छे से गहरा मार्क करके और फिर हम दोनों साइड में कर लेंगे। तो ये हमने बैक वाला पार्ट को भी बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट वाला पार्ट को रखा था बिल्कुल उसी तरह से मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे। उसके बाद हम जो लाइनिंग है उसकी फैब्रिक को रख करके और इस पर भी हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब हम नेक पे भी इसी तरह से लगाते हुए, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कच्ची सिलाई हमने लगाया था। उसके बाद अब हम इसमें अब हम इसकी प्लेटें डालेंगे। तो जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से इसमें प्लेटें डालना है फ्रेंड्स। टोटल फ्रंट वाले पार्ट में 8 प्लेटें पड़ती हैं। आप ब्लाउज को देख करके भी प्लेटें डालना कैसे है वो सीख सकते हैं, कैसे लगाया है आपके पास जो ब्लाउज है उसको देख करके भी आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे बीच से कट कर दिया है। अब हम इसकी काज पट्टी और बटन पट्टी बनाएंगे। तो पहले हम इसमें काज पट्टी के लिए बनाएंगे। तो काज पट्टी में जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस उल्टे साइड से जॉइंट करके उसके बाद सीधे साइड में पलट करके और सिलाई लगा देना है। देखिए तो ये हमारा काज पट्टी बन गया है। अब हम बटन पट्टी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो बटन पट्टी के लिए जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसे सीधे के साइड से रख करके और उल्टे के साइड में पलट देना है, देखिए इस तरह से। और उस पर हम एक सिलाई पहले लगा देंगे, उसके बाद हम इसे उल्टे के साइड पलट करके और फिर सिलाई लगाएंगे। इसमें हम बटन पट्टी बनाएंगे। पहले हमने काज पट्टी बनाया है, अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। अब हम इसमें 1.5 इंच की हम जो उरेब पट्टी होती है वो कट करेंगे नेक बनाने के लिए। जो ब्लाउज का जो हम गला बनाएंगे उसमें हम उरेब पट्टी का यूज करेंगे। तो उरेब पट्टी को आपको जॉइंट कैसे लगाना है, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको नहीं लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको पट्टी को जॉइंट करना है। और एक लंबा हम पूरा जॉइंट करके बना लेंगे, हम एक पूरे पट्टी को तैयार कर लेंगे और इसी से हम नेक बनाएंगे। अब हम दोनों को पहले बैक और फ्रंट को साथ में पहले ज्वाइंट लगा देंगे, कंधे इसकी जोड़ लेंगे और इस पे हम दो दो बार सिलाई लगा लेंगे कंधे की। अब हम इसकी नेक बना लेंगे। तो सीधे साइड में हमें इस तरह से पट्टी को रख करके और नेक लगा बनाना है, और जो उरेब पट्टी है उसे हमें उल्टा रखना है और जो हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है उसे हमें सीधा रखना है। और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे और बीच में हम थोड़ा थोड़ा नेक पे कट कर देंगे ताकि जब हम इसकी नेक बनाएं तो हमारा ये फिनिशिंग के साथ निकले। अब इसे हमें फोल्ड करते हुए अंदर की साइड जो पट्टी हमने ज्वाइंट किया है उसे फोल्ड करते हुए और उस पर एक सिलाई लगा देनी है। और बाकी जब ये ब्लाउज बन जाएगी तब इसमें हम हाथ का काम करेंगे। ब्लाउज में हाथ का काम भी बहुत हो जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि काज बनाना, बटन बनाना, नेक बनाना, नीचे तुरपाई करना, तो ये सब हम हाथ से ही करते हैं। तो
तो ये देखिए हमारा नेक तैयार हो गया है। अब जो हमारा नीचे का पार्ट है उसकी हम सिलाई लगा लेंगे। तो जो भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। उसके बाद हम नीचे से फोल्ड करेंगे, जहाँ पे हम तुरपाई करते हैं ना उसी को हमें फोल्ड करना है। और फोल्ड करके पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसकी तुरपाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी हमारा बॉडी का मेजरमेंट है या ब्लाउज से जो भी आप नाप रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। और बैक वाला जो पार्ट था उसमें भी मुझे प्लेटें डालनी थी, तो वो भी हम प्लेट डाल करके कंप्लीट कर लेंगे बैक वाले पार्ट की। उस पर हम 3.5 इंच की चौड़ाई लेते हैं और 10.5 इंच हम ऊपर से लगाते हैं। तो ये हमारा बैक और फ्रंट जो दोनों की प्लेटें डल चुकी हैं। अब हम इसकी जो मेन फिटिंग होती है ब्लाउज की वो दे देंगे, और जो भी मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा है उसे मैं कट करके अलग कर दूंगी। जब आप इसे स्टिच करने लगेंगे फ्रेंड रेगुलर में, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कहाँ से हमारा अनइवन हो रहा है या कहाँ से हमारा ज़्यादा फैब्रिक हो रहा है, तो आप उसे कट करके अलग करते जाएंगे। और फ्रंट वाले पार्ट में हम 1/2 इंच की कटिंग और करते हैं आर्म होल के साइड से। उसके बाद नीचे से 1-1 इंच फोल्ड करते हुए जिसमें हमें तुरपाई करना है, उसके बाद हम इसकी फिटिंग के निशान लगा लेंगे। और ये हमने स्लीव भी तैयार कर लिया है और इसमें हमें स्लीव भी अटैच कर लेंगे। जितना भी हमें स्लीव की फिटिंग चाहिए थे उस पर हमने मार्क करके और सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हम दोनों स्लीव को ज्वाइंट कर लेंगे। स्लीव लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।